हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ कार्तिके शर्मा टुडे आई विल बी डिस्कसिंग द एनालिसिस ऑफ जे एडवांस 2024 फ़िजिक्स पेपर अगर हम वेटेज वाइज बात करें तो फिजिक्स का जो पेपर रहा है उसमें क्लास एलेवंथ का पोर्शन ऑलमोस्ट 35 परसेंट रहा है ट्वेल्थ क्लास का वेटेज ऑलमोस्ट 65 फाइव परसेंट रहा है पेपर वन जो है वो थोड़ा ईजियर साइड पर रहा है पेपर टू हैज़ मीन स्लाइटली ऑन द लेंथियर साइड मॉडरेट पेपर रहा है बट थोड़ा कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो थोड़ा लेंथियर साइड पर रहा है वेटेज वाइज अगर हम बात करें तो वेटेज वाइज जो हाई वेटेज टॉपिक्स रहे हैं उसमें मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन पूछे गए हैं तीन क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं चार क्वेश्चन ओवरऑल ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के जो हैं चार क्वेश्चन पूछे गए हैं वेव ऑप्टिक्स के जो हैं क्वेश्चन तीन पूछे गए हैं फ्लूड मैकेनिक्स के तीन क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं एंड ई एम आई ए सी के दो क्वेश्चन पूछे गए हैं. इसके अलावा एरर जो है उसके क्वेश्चन पूछा गया है काइनामेटिक्स के क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट्स एंड डायमेंशन का भी क्वेश्चन पूछा गया है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वेव ऑन स्ट्रिंग साउंड वेव ग्रेविटेशन कैपेसिटर, इन सब के कुछ एक एक क्वेश्चन जो हैं पूछे गए मतलब ओवरऑल अगर हम हाई वेटेज टॉपिक्स की बात करें तो हाई वेटेज टॉपिक्स में हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया पूरा इलेक्ट्रो डाइनेमिक्स इनफैक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटिज़म ई एम आई ए सके क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी जो हैं पूछे गए हैं ट्वेल्थ वाली क्लास का जो वेटेज है वो रिलेटिवली जो है हाई रहा है ओवरऑल पेपर अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्चुअली पेपर बहुत चैलेंजिंग नहीं लगा है स्टूडेंट्स को उन्होंने ईजीली उसको पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करी है बट अगर हम लेंथियर साइड की बात करें तो सेकेंड वाला पेपर थोड़ा सा लेंदियर साइड पर जो है रहा है कॉन्सेपचुअली इट वॉज नॉट चैलेंजिंग बट सेकेंड पेपर में जो है आपको लेंदी पेपर देखने को मिला है तो वहाँ पे आपको जो है स्पीड और एक्यूरेसी पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ा इसके अलावा अगर हम बात करें तो ट्वेल्थ वाले टॉपिक्स का जैसे मैंने बताया हाई वेटेज रहा है ओवरऑल 65 परसेंट जो है वेटेज रहा है इलेक्ट्रोनिक्स का वेटेज हाई रहा है फ्लूड मैकेनिक्स के भी जो है क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं इस बार एंड ऑप्टिक्स इंक्लूडिंग बोथ जोमेटिकल ऑप्टिक्स एंड वी ऑप्टिक्स के जो हैं क्वेश्चन जो हैं पूछे गए है। तो जिन स्टूडेंट्स ने साल भर अपनी प्रिपरेशन करी है उनको ऐसा कोई इशू आया है नहीं है फिजिक्स के अंदर बस वहाँ पे आपको एग्जाम में थोड़ा स्पीड एक्यूरेसी का जो ट्रेड ऑफ रहेगा उसको थोड़ा वर्क करने की जरूरत थी सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ जी एडवांस पेपर एंड इसके अलावा एलन आपके लिए वीडियो सोल्यूशन जो है लेकर आने वाला है फॉर फिज़िक्स पेपर सो स्टे ट्यून्ड थैंक यू वेरी मच हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ इज रामाशीष पॉल टूडे आई विल डिस्कस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर एनालिसिस जेई एडवांस ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इस साल का पेपर जो हुआ था वो थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ था लेवल वाइज क्वेश्चन वॉज लेंथी दे आर सो मैनी रिएजेंट्स विच आर इन्वॉल्व इन द क्वेश्चन पेपर इस इट इज ऑल्सो कैलकुलेशन बेस्ड पी सी का काफ़ी सारे फिजिकल केमिस्ट्री मॉल मूल कॉन्सेप्ट का ऊपर भी काफ़ी सारी कॉन्सेप्ट था लगभग एक एक क्वेश्चन में ऑन एन अवर फाइव टू सिक्स किसी किसी क्वेश्चन में टेन से ज़्यादा भी रिएजेंट्स दिया गया तो इसमें करने में टाइम लगता है लग रहा है बच्चे को टाइम लगा और आ, अगर देखा जाए इलेवन एंड ट्वेल्व इलेवन से क्वेश्चन काफ़ी कम था हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन था जीओसी से क्वेश्चन नहीं था आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन नहीं था आ, ट्वेल्व से ही ज़्यादा क्वेश्चन है कार्बोनिल से देखा गया है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था वेदर इट इज़ कार्बोनिल प्रिपरेशन सीटिंग इफ़ेक्ट है वेदर इट इज ओजोनोलिसिस कार्बोनिल का रिएक्शंस के ऊपर बहुत क्वेश्चन था एल्डोल कैनिजारो एनिस्टूज ऑलमोस्ट सारे चीज़ यहाँ पे देखने को मिला उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स एमिनो एसिड्स कार्बोहाइड्रेट्स क्वेश्चन था आ, पॉलीमर जो मेंस में नहीं थे इस बार पॉलीमर के ऊपर एक क्वेश्चंस दिया गया इसके साथ केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ में जो एगेन मेंस में नहीं था यहाँ पे भी दो क्वेश्चंस एक सोप के ऊपर क्वेश्चन था कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था एक एसपार्टम जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर उसके ऊपर क्वेश्चन था एसिड डेरिवेटिव से बहुत कम क्वेश्चन था बिकॉज इट वॉज अ स्मॉल टॉपिक द सरप्राइजिंग थिंग इज एसेन रिएक्शंस जिसको कहते हैं सब्सटीट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन उससे क्वेश्चन नहीं था ग्रीगनट से क्वेश्चन था मेनली इट वॉज़ मेकनिज्म ओरिएंटेड मेनली इट वॉज़ रिएजेंट्स बेस्ट एंड उसमें uh, थोड़ा सा कैलकुलेशंस आने से उसका ग्रेविटी बढ़ गया मतलब क्वेश्चन का टफनेस लेवल उसी हिसाब से बढ़ गया मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन देखने को मिला मतलब देयर आर सिक्स सेवन स्टेप्स एट दे आर एंड एवरी स्टेप्स में कुछ ना कुछ रिएजेंट्स दिए तो ओवरऑल कोई एक क्वेश्चन में अगर कोई एक स्टेप्स नहीं हो पाता है तो वो बच्चे को दिक्कत आए तो अल्टीमेटली वो क्वेश्चन बने नहीं पाए तो ऐसा था अदरवाइज पेपर थोड़ा सा क्वान्टिटी बेस्ट था नॉट क्वालिटी बेस्ट क्वालिटिटी बेस्ट जैसे कि ना पॉलीमर uh, का अमाउंट्स कितना अमाउंट्स बने वो क्वेश्चन पूछा जैसे कि ना सोप का कितना अमाउंट बने वो क्वेश्चन पूछा ठीक है मतलब टफ क्वेश्चन था बट बच्चे ने कर लिए काफ़ी क्वेश्चन ईजी भी था आ, ऐसा नहीं कि एन सी आर टी बेस्ड क्वेश्चनस बहुत कम देखने को मिला जैसे वेन्स में, में होता है आ, दो क्वेश्चन डायरेक्ट एन सी आर टी के ऊपर था बाकी सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पर मेकनिज्म औरटेड था दैट्स ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ़ यू एक चीज़ और बोलना चाहूँगा एक एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशंस हमारा एक्सपर्ट टीम बना रहे आप उसको ज़रूर देखने के लिए कनेक्टेड रहे एल एन यूट्यूब चैनल पे थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू हेलो स्टूडेंट्स आई एम सुदर्शन गुहा फ्रॉम एल टू प्रोवाइड द एनालिस ऑफ द आई ओ सी पेपर जे ई एडवांस अगर आई का पेपर की बातें करें पहले ओवरटेज की बातें करें तो फिर ऑलमोस्ट 30 टू 33 परसेंट क्वेश्चन आर देयर दोनों पेपर मिला के इलेवन क्वेश्चन वॉज देयर पेपर वन कंसिस्टिंग ऑफ द सिक्स क्वेश्चन एंड द पेपर टू कंसिस्टिंग ऑफ द फाइव क्वेश्चन एंड पेपर लेवल की बातें करे ओवरऑल इट वॉज मॉडरेट टू टफ एक्चुअली द टफ इन देंस कि द सम ऑफ द क्वेश्चन हैज़ कम दैट इज आउट ऑफ द बॉक्स जो आपको पढ़ा चुके हैं उनसे बाहर कुछ इन्फॉर्मेशन आ चुका तो ऑटोमेटिकली देट के नॉट बी डन बाई यू एंड ऑलरेडी गाइडेड टू यू पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि ऐसा क्वेश्चन अगर आता तो फिर छोड़ के आप दूसरा क्वेश्चन में चले जाओ एंड कभी नहीं देखा तो बट ऑब्वियसलीट यू हैव टू लिव दैट क्वेश्चन बच्चे ने ऐसा ही किया कई बच्चे ने ऐसा किया और किसी किसी ने थोड़ा सा टेक्निकली गेस करके सही कर लिया तो जो भी है नीड नॉट टू ओरी अबाउट एंड अगर हम लोग चैप्टर वाइज बात करें तो चैप्टर वाइज बात करें तो इनऑर्गेनिक के अंदर में से टोटल चार ही चैप्टर से आपको क्वेश्चन आ चुके हैं एक है केमिकल बॉन्डिंग दूसरा है कोर्डिनेशन कंपाउंड तीसरा सॉल्ट एनालिसिस और चौथा पी ब्लॉक मेनली ब्लॉक केमिस्ट्री में से आपको पी ब्लॉक ही ज़्यादा कवरेज दिए हैं एंड जो भी पी ब्लॉक से क्वेश्चन था कुछ स्ट्रक्चर का क्वेश्चन पूछा कुछ आपको ऑक्टेडुल का क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन वॉज ईजी बट एक क्वेश्चन आपको पी सी एल फाइव का फ्लोरिनेशन की बातें की तो फिर ऑटोमेटिकली वो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स चले गए तो एनी वे तो इन दैट वे कंसेप्चुअली अगर बात करें तो इनके सब द कोर्डिनेशन कंपाउंड द ओवरऑल क्वेश्चन वॉज वेरी गुड एंड कंसेप्चुअल जिसका कंसेप्ट अच्छा है ओनली दे कैन हैंडल इट जस्ट रट के थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन उसमें भी एक क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर कंपाउंड के बारे में अगर आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन वाइज जानकारी नहीं हो तो फिर देन यू कैनॉट डू एनी वे दीज आर द टोटल थिंग्स ओवरऑल पेपर का मैं कंक्लूसिव लाइन के हिसाब से बोलूँगा तो ओवरऑल पेपर उज मॉडरेट टू टाफ द स्टूडेंट हैज़ फेल्ड लाइक दिस एंड जो भी है जो स्टूडेंट ने जो आपको बता रहे हैं तो दैट इज नथिंग बट द फाइनल Level that we can say, according to me or the teacher, what the paper is hardly matters. So student cook salagra, that is more important. Anyway, so this is all about, and uh, whatever it is, finally the detailed video solution, and that is also coming to you, so stay tuned with us, and then you'll be getting the detail of it Hello students. एल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है जेई एडवांस 2024 का पेपर हो चुका है मैं नीरज कुमार एल एन कैरियर इंस्टीट्यूट आपके लिए लाया हूं केमिस्ट्री के पेपर का एनालिसिस फिजिकल केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही सामान्य स्तर का रहा है दोनों पेपर में और अलेवन एंड ट्वेल्व का लगभग इक्वल वेटेज उन लोगों ने दिया है एटोमी स्ट्रक्चर के दोनों पेपर में एक एक क्वेश्चन थे और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे अलेवेंथ के पोर्शंस में आइडियल गैस से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था थर्मोडाइनमिक्स का एक बहुत ही सिंपल डेल्टा एच कैलकुलेशन का क्वेश्चन था रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन का एक क्वेश्चन था एज यूजल ट्वेल्व के पोर्शन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दोनों पेपर में एक एक क्वेश्चन था सरफेस केमिस्ट्री मिक्सड विथ मोल कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन था इनके अलावा लिक्विड सोल्यूशन का एक क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन समय दे करके करने की ज़रूरत थी क्योंकि वह कंपैरिजन पूछा था क्वेश्चन में तो उसमें गलती होने की संभावना थी सरप्राइजिंगली रेडियो एक्टिविटी से भी एक क्वेश्चन था केमिकल काइनेटिक्स से भी एक क्वेश्चन था रेडियो एक्टिविटी में मैंने सरप्राइजिंग इसलिए बोला कि रेडियो एक्टिविटी सिलेबस में क्लियरली मैंशन नहीं है एन बुक में भी वो चैप्टर बहुत सालों से डिलीटेड है बट एक क्वेश्चन था एंड अनफॉर्चुनेटली रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन भी था कि क्वेश्चन में उन लोगों ने मास रेशियो लिखा था जबकि जो लॉ के वैल्यूज़ दिए हुए थे वह मोल रेशियो पर कैलकुलेशन आसान बना रहे थे मास रेशियो के लिए वैल्यूज़ नहीं थे तो अब देखना है कि जय एडवांस उस क्वेश्चन पर क्या स्टैंड लेता है बट ओवरऑल पेपर काफ़ी आसान था फिजिकल केमिस्ट्री का बट एक बहुत अच्छी क्वालिटी है आई की कि उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी पूछे तो लैंग्वेज इस तरह से दिया कि जो बच्चे बहुत जल्दीबाजी में क्वेश्चन कर, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे एरर होने का चांस उनके लिए ज़्यादा था अदरवाइज़ ओवरऑल पेपर फ़िज़िकल केमिस्ट्री के लिए काफ़ी आसान था थैंक्स अलॉट हेलो स्टूडेंट्स मैं विकास तरी आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं जे एडवांस 2024 का मैथमेटिक्स का पेपर वन पेपर टू की एनालिसिस के लिए जे ई एडवांस का जो पेपर जैसा कि होता है हर साल टफ ही रहता है इस बार का भी पेपर ठीक ठाक अच्छा था एक आ, सही बात यहाँ पर देखने को मिली कि लास्ट ईयर की तरह इस बार भी सेट थ्योरी से सेट थ्योरी का इस्तेमाल बहुत सारे क्वेश्चन में किया गया तो जो बच्चों को क्वेश्चन समझने में मुश्किल हुई जिन्होंने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा और अटेम्प्ट किया उनको फिर वो आसान लगा तो मैं एक एक करके शुरू करता हूँ पहले मैं इस बात पे आ, आता हूँ कि किस सब पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए तो कैलकुलस से बारह क्वेश्चन पूछे गए एल्जबरा से बारह पूछे गए टिग्नामेट्री से एक ही क्वेश्चन आया कॉर्डिनेट से केवल चार क्वेश्चन पूछे गए वैक्टर थ्री ये जो दो टॉपिक हैं इनसे मिलाकर पाँच पूछे गए स्पेशली थ्री में तीन थे और वैक्टर में दो थे आ, कुछ टॉपिक मिसिंग थे जिनके मैं नाम लेना चाहूँगा स्पेशली कॉम्प्लेक्स नंबर से डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं था जो भी क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड था वो किसी ऑप्शन में था डायरेक्ट कोई कॉम्प्लेक्स नंबर से इस बार क्वेश्चन नहीं पूछा गया सीक्वेंस सीरीज से भी कोई क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा गया डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन मिसिंग था डिफरेंशियल इक्वेशन का इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से हर साल क्वेश्चन आता भी नहीं इस साल भी नहीं आया बहुत कम क्वेश्चन आते हैं डेफिनेट uh, इंटीग्रेशन से तीन क्वेश्चन पूछे गए थे हाइपरबोला से कोई क्वेश्चन नहीं था स्ट्रेट लाइन से कोई क्वेश्चन नहीं था uh, पीएनसी के क्वेश्चंस डायरेक्ट तो नहीं थे बट कुछ ऑप्शन में मिक्स थे और प्रॉबिलिटी से दो क्वेश्चन पूछे गए थे अब मैं आता हूँ ट्वेल्थ और इलेवंथ का तो इस बार एक बड़ी विचित्र चीज़ देखी गई कि पेपर टूवर्ड्स ट्वेल्थ जो था वो झुका हुआ था मतलब अराउंड सेवेंटी परसेंट क्वेश्चन जो थे वो ट्वेल्थ सिलेबस के थे थर्टी क्वेश्चन इलेवेंथ सिलेबस के थे अब आ, हम इस बात पे आते हैं कि पेपर में इजी क्वेश्चन कितने थे और मॉडरेट कितने थे टफ कितने थे तो रफली बीस बाईस क्वेश्चन इजी की श्रेणी में रखे जाएंगे uh, 10-12 क्वेश्चन जो है मॉडरेट के श्रेणी में रखे जाएंगे और एक दो क्वेश्चन टफ़ की श्रेणी में रखे जाएंगे तो ओवरऑल पेपर को देखा जाए तो मॉडरेट कहा जाएगा जो इजी क्वेश्चन थे वो इजी तो थे बट ट्रिकी थे और कुछ मॉडरेट क्वेश्चन कैलकुलेशन में लेंदी थे बट ओवरऑल देखा जाए तो कैलकुलेशन लास्ट ईयर की तुलना में थोड़ी कम थी बच्चों को लेंदी कैलकुलेशन कम कराई गई बट क्वेश्चंस को समझने में कम्प्रीहेंड करने में बच्चों को थोड़ा टाइम लगा कई बार मतलब उनकी अपीयरेंस ऐसी थी सेट थ्योरी की लैंग्वेज एब्स्ट्रैक्ट मैथ्स की लैंग्वेज डाली गई थी जिससे क्वेश्चन को समझने में थोड़ा टाइम लग रहा था और एक बार बच्चे ने उसको ढंग से पढ़ लिया और उसको समझ लिया तो करने में बहुत आसान थे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखे गए इन सभी क्वेश्चंस के डिटेल सोल्यूशन देखने के लिए आप सभी लोग एल एन जेई यूट्यूब चैनल को देखते रहें हमारी टीम आपके लिए एक एक क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन लेके आ रही है धन्यवाद बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू